हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ये कंगारू का चेन क्लीनर और चेन लूप का रिव्यू करने वाला हूँ। ये देखिए सामने 500 ml का बोथ है और इसके साथ ये ब्रश दिया है। ये ब्रश मुझे चाहिए था क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाता है चेन क्लीनिंग। और आप लोगों को WD-40 का भी यूसेज दिखाऊँगा। ये कर लिया मैंने बाइक स्टार्ट और फिर ये क्लीनर लेते हैं। ये क्लीनर को पहले दे देता है अच्छी तरह से, तो इससे थोड़ा धूल मिट्टी जो है वो बाहर आ जाएगा, वो लूज़ हो जाएगा। और ये ब्रश से थोड़ा क्लीन करते हैं। ये देखो गाइस, सिर्फ 100-150 किलोमीटर हुआ है फिर भी इतना धूल मिट्टी ग्रीस। बंद कर लेते हैं इसको। देखिए ये सिर्फ 100-150 किलोमीटर में इतना हो गया, कितना मिट्टी है इसमें। ये पहले मैं यूज़ करता था वर्थ का, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये रेनी सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये कंगारू का चेन लूप कर देते हैं स्प्रे। थोड़ा दूर से स्प्रे कीजिए तो इससे थोड़ा इवनली स्प्रेड होगा चेन लूप। मैं प्रति 500 किलोमीटर्स चेन लूप करता हूँ और ये सिर्फ 150 किलोमीटर हुआ है और जस्ट रिव्यू के लिए मैं अब कर रहा हूँ। लेकिन देखिए 150 किलोमीटर में इतना धूल मिट्टी जम गया। तो गाइस ये रहा चेन लूप कंगारू का और ये चेन क्लीनर बोथ 500 ml का। थोड़ा डिटर्जेंट लिया और ये ब्रश मैंने लग दिया यहाँ पे क्योंकि इसका ग्रीस और मिट्टी आसानी से बाहर नहीं आएगा। ये साइड देखिए थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन इस साइड बहुत 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 ही हार्ड है, ताकि एकदम प्रॉपरली चेन क्लीन हो सके। ये काम की चीज़ है भाई। ये रहा चेन क्लीनर और चेन लूप। और ये WD-40 मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, इसका बहुत ही यूसेज है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, और हाँ मेड इन यूनाइटेड किंगडम। ये एकदम वर्ल्ड क्लास ब्रांड है WD-40, बहुत काम की चीज़ है। ये मैं कैसे यूज़ करता हूँ बता रहा हूँ। ये जो फुट पैक है, गियर शिफ्टर है यहाँ पे, और एक क्लच के लीवर में मैं ये स्प्रे किया था, और ये मोबाइल होल्डर पे, और ये स्विचेस में भी आप दे सकते हो इसमें और किल स्विच में। इसका कनेक्शन एकदम प्रॉपर रहेगा, कोई रस्ट या लूज कनेक्शन नहीं होगा। और ये मिरर का जो पॉइंट्स होता है थोड़ा रस्ट हो जाता है, तो ये रस्ट नहीं होने देगा। और इस फुट पैक में और यहाँ पे मैंने दिया था और ये तो दिखाया, और ये राइट फुट पैक और रियर ब्रेक में। तो ये क्या होगा, इससे एकदम रस्ट फ्री रहेगा और आवाज़ नहीं आएगा। और ये रहा मेरा शाइनर, ऑल इन वन शाइनर। ये आपको तो पता ही है जिन जिन लोगों ने देखा है, 3M का ऑल इन वन शाइनर है। ये आप ग्लॉसी पे भी लगा सकते हो और मैट जगह पे भी लगा सकते हो, ऑल इन वन है। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग का वीडियो मैं दे रहा हूँ, अगर नहीं देखा तो देख लेना। तो चलिए गाड़ी थोड़ा चला के देखते हैं। हे गाइस, टू कंक्लूड दिस वीडियो, कंगारू का जो चेन क्लीनर और चेन लूप है ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है, तो इसलिए मैंने लिया था क्योंकि वर्थ का बड़ा जो बॉटल है वो इट्स वेरी कॉस्टली, और साथ में कुछ ब्रश या चेन क्लीनर भी नहीं देते। और बाइक में बैठ के एक नोटिसेबल डिफरेंस मैंने देखा है क्योंकि इतना प्रॉपरली चेन क्लीन किया है, तो आप एकदम समझ जाओगे आफ्टर 500-600 किलोमीटर्स आप जब चेन को प्रॉपरली क्लीन करोगे आप समझ जाओगे कि कितना डिफरेंस हो जाता है। तो वर्थ का जो चेन लूप है वो मैं अभी भी यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट।
बट आई विल यूज़ दैट इन रेनी सीजन ओनली, क्योंकि रेनी सीजन में थोड़ा कीचड़ फीचर जो ज़्यादा हो जाता है और पानी भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफकोर्स आपके पास रहना चाहिए। तो बाकी टाइम के लिए मैं ये कंगारू का यूज़ कर रहा हूँ। चेन क्लीनर लेना एकदम मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप केरोसिन ऑयल से भी चेन क्लीन कर सकते हो और एक टूथब्रश यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो ब्रश जो फ्री दिया है कैंगारू के साथ, ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि एकदम प्रॉपरली ऑल साइड से एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये थोड़ा इफेक्टिव टूल है, तो इसीलिए भी मैंने ये लिया था। और WD-40 मैंने लिया था क्योंकि थोड़ा प्राइस कम मिल रहे थे और वो मल्टीपल मेंटेनेंस स्प्रे है। सिर्फ बाइक के लिए नहीं लिया, वो बहुत ही काम की चीज़ है, घर में एक तो रहना ही चाहिए। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ़।